हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में खून कहाँ और कैसे बनता है। अगर आपको नहीं पता कि हमारे शरीर में खून कहाँ और कैसे बनता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में खून कहाँ और कैसे बनता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा खून किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो हमारा खून प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से मिलकर बनता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा खून कहाँ बनता है। तो हमारा खून हमारी बोन्स यानी हड्डियों में बनता है। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमारी सभी हड्डियों में खून बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जितनी भी बड़ी हड्डियाँ होती है उन्हीं में खून बनता है। और अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हड्डियों में खून कैसे बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी हड्डियों में बोन मैरो होता है और बोन मैरो में स्टीम सेल्स होती है, और यही स्टीम सेल्स हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बनाती है, और हमारा लीवर प्लाज्मा बनाता है। और फिर जब ये चारों चीज़ें मिल जाती है तब बनता है हमारा खून यानी ब्लड। ये हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।